हेलो एवरीवन, चलिए आज के वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे फोल्डर कलर के बारे में। आप डेस्कटॉप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मेरे पास कुछ फोल्डर थे जो कि फोल्डर कलर में दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको इस तरीके से फोल्डर कलर करना है तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया फोल्डर आएगा। अगर इस फोल्डर को कलर करना है तो इस पर आपको राइट क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको जाना होगा चेंज फोल्डर आइकॉन। इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको रेड में कन्वर्ट कर देना है। आप देखेंगे कि आपका फोल्डर यहाँ पर रेड में आ चुका है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी सिस्टम में नहीं होता है, इसको पहले आपको डाउनलोड करना होता है। डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा क्रोम ब्राउज़र पे। यहाँ पे आपको टाइप करना है गूगल, और गूगल को टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है कंट्रोल वी। यहाँ से आपको टाइप करना है फोर फ्री फोल्डर आइकॉन कलर चेंज सॉफ्टवेयर फॉर विंडोज़ 10 के लिए। यहाँ पे आपको इंटर प्रेस करना है। आपको यहाँ पे कुछ सैंपल दिखाई देंगे कि किस तरीके से आपको कलर करना है। देन यहाँ की पहले वेबसाइट, जो पहला वेबसाइट है, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ आप देखेंगे आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख रहा होगा, जिसमें आपके पास रेड, ग्रीन, ब्लैक, कुछ इस तरीके से यहाँ पे कलर दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल बताया गया है कि किस तरीके से आपको कलर करना है, और यहाँ पे आपको अच्छे से सजेशन भी दिया गया है कि आप अपने फोल्डर को कलर कैसे कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे इस वेबसाइट को खोलने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है डाउनलोड फोल्डर पेंटर। इसको डाउनलोड करने के बाद अपने सिस्टम में आपको इंस्टॉल करना है, जैसा कि मैं यहाँ से पहले ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेना। ऐसे ही और अट्रैक्टिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।